क्या कि लाला तुम हो जिगर लली। ये तो लाला है, अगर कहीं तुम लली यानी लड़की होते कि लाला अगर तुम होते लली तो यहां गले कट जाते करोड़ने की। ये तो भला है जो तुम लाला हो, जब दुनिया इतनी पागल है, और कहीं तुम लाली होते तो रोज बंदूक चलती रोज लगाते कि हम ले जाए। ऐसा सुंदर कर रखा था उसी के हम यह पागल है कि कोई पागल है धन दौलत का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का। कुछ पागल आ गए, कुछ और आ जाएंगे दो चार दिन में, और पूरा भटवाड़ी में पागल खाना खोल देंगे। जहां सुबह शाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और जो पागल है वो हाथ उठा ले। हरे कृष्णा, चलो मन को लिया कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 सुन रहे हैं। और कुंभज ऋषि कथा सती की मति में बात नहीं बैठ रही है, क्योंकि भरे हुए घड़े में कभी कुछ भरा नहीं जा सकता, और जो अभिमान से भरा है वो तो 1% भी नहीं भरा जा सकता। कथा पूरी हुई और फिर क्या हुआ? सोनी महेश परम सुख मान, बाबा ने सुना और सुन करके क्या माना? सुख क्या माना? नहीं तभी तो कहा तुम पागल याद ही आगो को दुख माना, दुख माना नहीं। सुनी महेश परम सुख मान, सुख नहीं माना परम सुख माना, के राम कथा कथा सुनकर जो सुख मिलता है वो सुख नहीं परम सुख होता है, और कथा सुनकर के तो परम सुख ही मिलता है। आज एक मैया कह रही थी सुबह हमसे कर ले, अरे मैंने तो खबर ही नहीं पड़ी, अचानक नहीं गई सी कथा। अचानक मैं कहीं पे भी बैठा रहता हूं, मेरे कान जरूर आपके साथ रहते हैं, हाँ, और मेरी आंखें तो वहां तक रहती हैं जहां तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, अचानक हो गए। अरे साहब तुम सोच कर करते, मैया सावधान से समझ लेना, एक मैया कह रही थी कि अब तो हर साल हो जाए तो ठीक है, मैं यूं भी सुन रहा हूं हर साल हो जाए तो ठीक है, अब अगर होगी और तुम करोगे तो वो आयोजन होगा,
क्योंकि तुम सोच कर कर रहे हो वो आयोजन है, और जो अचानक होती है वो कृपा है। ये कृपा हो रही है, अगली बार तो आयोजन होगा, कृपा नहीं होगी। कृपा तो अचानक होती है सर, और यहां कृपा हो रही है। और प्यारे कृपा कृपा किस पर होती है, किस पर होती है? भगवान से लोग शिकायत करते हैं हमारी सुनता ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं। तुम सब जितने भी लोग ना, सबकी एप्लीकेशन आ गई वहां पे, ये सब सब के सब, ये सब अब वो मेवाड़ में क्या होते हैं, विंडो हम क्या, आप भगवान को देखो, हम रोज लोटा डालते हैं चार पूजा जी आपके लिए, हम रोज पकवान लाते हैं, आपने तो हमें विंडो बना रखे हैं, देते लेते कुछ है ही नहीं। आप ये कहते हो ना शिकायत मत करना, पूछो क्यों। जापे कृपा रामे की हो, तापरे कृपा करे सब कोई। तो तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा है? राम की। अब कहोगे महाराज नहीं मानी, नहीं मानोगे, लेकिन गोस्वामी जी क्या, बिन सत्संग विवेकु न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है तब सत्संग होता है, बिना उसकी कृपा के सत्संग नहीं होता। जहां चार भुजा बैठा है और जहां महादेव मेरा बैठा है, दोनों बात कर रहे कि क्या करें, कि राम भी मिल गया और ऐश्वर्य रामेश्वरम भी मिल गया, दोनों मिल गए तो अब तो कथा होनी चाहिए, भक्ति की चर्चा होनी चाहिए। कृपा है हो रही है। एक मैया कह रही महाराज जी कल थोड़ी सी बारिश आ गई थी, कि बारिश आ गई, अब बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो बताएंगे कि किसी कथा में यज्ञ में अगर बारिश होती है तो कितना शुभ होता है। तो तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा दान, तुम्हारा समय जो तुमने ठाकुर को दिया है, ये उसने मोहर लगा दी कि जाओ सफल हो गया, क्योंकि कृपा की बारिश हो गई और तुम्हारे पाप धुल गए। अब दोबारा इस चादर को मैली मत करना, इस चादर को मैली मत करना जो ठाकुर जी ने तुम्हें दिए है। चदरिया जीनी रे जी, चदरिया जीनी रे जी। कबीर साहब की ज्यादा भजन लेंगे तो फिर कथा छूट जाएगी। शरीर चादर है, बड़ी मुश्किल से हमको मिली है, अब हमें मिली है। शिव के साथ सती रह रही है, सती को कथा नहीं मिल रही, या सावधान हो जाइए, समझ जाइए कि अच्छे व्यक्ति के साथ अगर कोई रहता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा हो। आपके साथ अगर कोई आप बुद्धिमान है और कोई रह रहा हो और तीसरा देखे अरे ये होशियार है इसके साथ रह रहा हो, तो भूल कर भी ये गलती मत रखना, क्योंकि कुमार के संग गधे रहते हैं, भूल है, सावधान।